सो गाइस वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर, और बिहेवियर को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और ये सारे बिहेवियर्स हैं, कैसे बिहेवियर प्रेजेंट होते हैं, ये आप किसी इमेज पे भी लगा सकते हैं, किसी स्क्रीन पे भी लगा सकते हैं, किसी टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं। जिस चीज़ को इस बिहेवियर में लाना चाहें तो वो ऐसे एज इस बिहेवियर में उसको प्रेजेंट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मीडिया वन में जाते हैं और एक वीडियो ले लेते हैं, तो बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है ना कि ये ज़रूरी नहीं है, ये इसमें बिहेवियर फेडी में टेक्स्ट के बारे में बताया हुआ है, फाइल इन में भी टेक्स्ट के बारे में बताया हुआ, तो ये क्या मैं इस स्क्रीन इस वीडियो में भी ये बिहेवियर लगा सकता हूँ या नहीं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। और हम इसमें से कोई भी बिहेवियर उठाते हैं, जैसे ये प्रेजेंट कर रहा है, हम इसको इस वीडियो पे ऐड करके देखते हैं और ये देखना है बिहेवियर कैसे इम्प्लीमेंट होगा। और जैसे ये शो हो रहा है ना, इस तरह टेक्स्ट आ रहा है, जैसे डाउन टू अपवर्ड और एकदम चला जाता है। जरा इस पर प्ले करके देखते हैं, ये देखें डाउन टू अपवर्ड वीडियो आई और इसकी एंडिंग में ये ऐसे ही जाएगा। सो इसकी एंडिंग में जाते हैं जल्दी से और हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो ये एंडिंग में ऐसे क्लोज होगा। सो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर हम इस वीडियो पर भी लगाना चाहें तो वो भी यहाँ से चेंज करते हैं। इसके साथ साथ इस बिहेवियर में क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें, उससे हमें बहुत बेनिफिट्स होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, ये है जी ड्रिफ्टिंग स्टाइल, ठीक है, बाउंस इन स्टाइल, ड्रिफ्टिंग, फेडी, ये जो स्टाइल्स यहाँ हैं ये वही स्टाइल यहाँ प्रेजेंट भी हो रहे हैं। ये देखें, फेडी आ रहा है हमारे पास, फ्लाई इन आ रहा है, जंप एंड फेल आ रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ से भी इनके हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मूवमेंट भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसकी बाउंस हो, जैसे बॉल को हम फेंकते हैं तो बाउंस होता है, मज़े से डिप करके आता है, इसी तरह मुख्तलिफ हमारे पास ये इसकी मूवमेंट्स हैं। सो बॉटम डायरेक्शंस, आप कहाँ से मूव कराना चाहते हैं आप ऐसे वैसे भी कर सकते हैं, और स्पीड को स्लो हाई भी रखना चाहिए तो अगर इसकी स्पीड को हम स्लो करते हैं, देखें हाई स्लो, तो वैसे रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं यार यहाँ से मिस्टेक होगी, जो स्पीड रखनी थी वही हो, तो इसको दोबारा इस रीसेट पर करते हैं, तो स्पीड पे अगर हम इसकी स्पीड को 9% करते हैं और टेस्ट कर लेते हैं कि 9% पे ये कैसा चलता है, तो आपको वो भी आइडिया होगा। ये देखो स्लोली अप, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। और हमने वापस अपनी ही उसी पोजीशन पे लाना है, तो इसको हमने यहाँ से कर लेना है रीसेट, ताकि ये रीसेट हो जाए, ठीक हो गया। इसके साथ नंबर वन, हमने एक पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अगर ये इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ और क्या चीज़ें हैं, ड्रिफ्टिंग है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में स्केलिंग भी आ जाती है, और आउट इन, इन कैसे हो और आउट कैसे हो, ड्रिफ्टिंग स्टाइल में इन हो और आउट के स्टाइल में, तो वो यहाँ से आप इनकी डायरेक्शन ये सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेकंड, हम इस चीज़ को किसी और चीज़ में इम्प्लीमेंट करना चाहें क्या हम कर सकते हैं, सो हम यहाँ पर जाते हैं एनोटेशन में, हम यहाँ से लेते हैं टेक्स्ट और ऐड टेक्स्ट करते हैं, और टेक्स्ट में हम कुछ भी लिख देते हैं। सो सबसे पहले कोई कलर लेते हैं जो नज़र आने वाला हो, या यहाँ लिख देते हैं थैंक्स फॉर WATCHING। सो मैं आपको इस पे वो इफेक्ट लगा के थोड़ा सा प्रेजेंटेबल करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे प्रेजेंट होगा, कि आपको इस आइडिया हो जाएगा जिस चीज़ पे हमारा टॉपिक है बिहेवियर, और ये बिहेवियर इस पे अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो कैसे ये बिहेवियर हमें परफॉर्म करके दिखाएगा। सो सबसे पहले हम कौन सा बिहेवियर प्रेजेंट करना चाहते हैं, टेक्स्ट पे हम बिहेवियर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये हो जी रिवाइवल रिव्यू, ये हो गया, हम इस पे ऐड कर दिया। सो जो ही हम प्ले करेंगे तो टेक्स्ट ऐसे प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब सेम वही इफ़ेक्ट हो रहा है, ये बैक एंड में वीडियो पे भी कोई इफ़ेक्ट लगा हुआ है, इसको ज़रा रिमूव कर लेते हैं ताकि जो इफ़ेक्ट्स हैं ना डबल ना हो, डबल माइंडेड आप ना हो जाए कि ये क्या हो रहा है। सो यहाँ से हम प्ले करते हैं, तो देखें ये टेक्स्ट ऐसे रिवाइवल में प्ले हुआ है। सो हम टेक्स्ट में भी लगाना चाहें वहाँ भी लगा सकते हैं, इसकी यहाँ से इसको एडिट इफेक्ट करना चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसकी भी यहाँ से हम सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है कि यहाँ से इसकी क्या सेटिंग रखनी है, स्पीड यहाँ से स्लो हाई करनी है, जैसा भी कर लेंगे आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा।
सो इस इफेक्ट को यहाँ से हम करते हैं डिलीट, और सेम एज इट इज़ मीडिया बिन में अगर कोई इमेज अगर लाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, उस पर भी करना चाहते हैं तो इफेक्ट उस पर भी होगी, कोई लोगो होगा उस पर भी हो जाएगा। और ये एक छोटा सा हम एनोटेशंस लेते हैं और इस पर भी लगा के देख लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं इसको, और अगर हम इस पर भी लगाना चाहते हैं तो हम इस पर भी ये चीज़ कर सकते हैं। सो हमने हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, और दोबारा से हम ट्रांजिशन नहीं बिहेवियर स्टडी कर रहे थे, इसको हम चाहते हैं कि पॉपअप हो। सो ऐड इफेक्ट, ठीक है, ऐड हो गया इफेक्ट और ये पॉपअप हो गया। सो कितना क्यूट बबल सा लग रहा है और डांसिंग सा कर रहा है, तो ये कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये चीज़ें वो हैं जिसमें आप अपना कोई इंट्रो बनाना हो या नेक्स्ट स्लाइड ओपन करनी हो या इस तरह की मज़े से चीज़ें आपने एनिमेशंस बनानी हो अपने लेक्चर्स में, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो ये आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, बड़े ही प्रेजेंटेबल फॉर्म में ये लेके आती हैं। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एनिमेशंस, और स्टे ट्यून्ड विद उस्मान परवेज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिनी सॉल्यूशन।